श्वेता, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्थुल राजी का सीजन 5 का एपिसोड 12 आइए देखते हैं। तलाए को तब तक आया क्यों नहीं? चलो फिर खाना खा लेते हैं हम। मैं अपने साई से भी पहले पहुंच जाता हूं। ये कौन है? अकेले आने के लिए कहा था ना मैंने। ये दोनों काराबोरू के साथी हैं, जासूस। जबे नाम है, जबे। तुमने नोयान को धोखा दिया था। तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? और तुम जासूस हो? हां, ये दोनों गद्दार हैं। कहिए, यहां क्यों बुलाया है मुझे? आपके वालिद की तबीयत के बारे में पूछना था मुझे। जो कुछ आपके बेटे ने किया और जो आपने उनकी बेइज्जती की, उसके बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुम अब जा सकते हो उस्मान। हर चीज से पहले आपके बाबा की सेहत की फिक्र है मुझे। बेहतर कर लेने दीजिए। कोई जरूरत नहीं, खुद उनका ख्याल रख सकती हूं मैं। क्या इसके अलावा भी कुछ और कहना था आपको? गुंदूस के बारे में कुछ बताना है मुझे आपको। सुन रही हूं मैं। हादसे वाले दिन, लेकिन मैंने मालूम कर लिया है। तो फिर बताइए मुझे, कहां था वो उस दिन? गुंदूस उस दिन
क्या हुआ अब्दुर्रहमान? भाई उमर सरदार, क्या हुआ मेरे बाबा को? बाबा क्या हुआ यहां पर? बाबा आपको बाबा, बाबा कौन था वो जालिम? ये किसने कर दिया बाबा? बाबा बाबा क्या हो गया आपको? बाबा बाबा उठिए ना, आपकी बेटी आपके पास आ गई है। बाबा देखिए ना, मैं यहाँ हूँ। बाबा उठिए ना। इल्बिल के हाथों अपने आप को संभाले, एक दिन जाना है, हिम्मत से काम ले। मेरी वालिदा के बाद इन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। ये साथ दे तो मुझे हौसला था, आज अपना सब कुछ खो दिया मैंने। जिस मलून शैतान ने भी मेरे बाबा का और मेरे सिपाहियों का कत्ल किया है, उस शख्स को जान से मार दूंगी मैं। दुनिया उजाड़ के रख दूंगी मैं उसकी। ये मंगोलों की मदद करके बाबा के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देंगे। ये तो कुंदूस का खंजर है, उसने बाबा को मार दिया। कातिल हो, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। अगर कातिल गुंदूस हुआ तो उसके साथ मैं अपना सर भी कटवा दूंगा। हाथों अब आप नहीं बचा सकते अपने बेटे को मुझसे, काई कबीले से और पूरे सऊद। अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी। अब्दुर्रहमान, हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं, कबीले में पैगाम भिजवाओ, सब मुहाफिज चौकन न रहे, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। बमसी, आर्तुक भाई और सिपाहियों से कहो तैयार रहे,
गुंदूज अगर कहीं नजर आए तो उसे पकड़कर अपनी हिफाजत में रखें और उस पर नजर रखना, समझ गए? जो आपका हुक्म भाई। ये दोनों गद्दार हैं। दुश्मन से हमारी जान क्यों बचाई? अब भी नहीं समझे तुम? इसलिए ताकि तुम्हारा भरोसा जीत के तुम्हारे करीब आ सके। ए मको, मर्गन वो गद्दार है जिसकी वजह से नौयान मारा गया। मैं तो पहले ही काफी हिमाकतें कर चुके हो, अब कुछ मत करना। अभी इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं, पहले इनसे ये उगलवाना है कि ये किसके लिए काम करते हैं। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारी जबान कैसे खुलवानी है जानता हूं मैं, फिक्र मत करो। तुम बांध दो इन्हें। बाबा को मेरे और एरन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था चारी। मुझे माफ कर दो भाई, मैं बहुत मजबूर था। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन पता चलना ही था। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा चारी। मेरे लिए तुम्हें तलवार, घोड़े और खाने का इंतजाम करना होगा। मेरी बात मानो अगर, तो तुम्हें अर्तुरुल सरदार के पास चले जाना चाहिए भाई। चारी मेरे भाई, अगर तुम खौफ ज़दा हो तो साफ साफ बता दो मुझे। देखो, मुझे इस मामले से हरा, मुझे अपने और बाबा पर लगे हुए तमाम दागों को खुद धोना होगा। अब बताओ मुझे, क्या मेरी मदद करोगे या फिर नहीं चारी? करूंगा मेरे भाई। तो फिर मुझसे वादा करो चारी। वादा करता हूं, जान दे दूंगा अपनी, लेकिन हार नहीं मानूंगा। आ, 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 आ,
अगर कोई ये चाहता है कि उसकी माँ बे औलाद हो जाए, बच्चे यतीम और बीवी बेवा हो जाए, तो सामने आए वो। देखो जरा इन बुजदिलों को, कुछ समझ नहीं आया तो हम पर ही हमला कर दिया। सिपाहियों, सिपाहियों को रोक लो बंसी। लेकिन सरदार, जो कहा है वो करो बस। सिपाहियों, पीछे हटो। जख्मी सिपाहियों को अंदर ले जाओ ताकि इलाज हो इनका। आपका गम मेरा गम है, आपका इंतकाम मेरा इंतकाम है। कातिल जब तक पकड़े ना जाए सब्र करना होगा। कातिल आपका बेटा गुंदूस है। हमारा गम कब नहीं होगा जब तक गुंदूस को सजा नहीं मिल जाती। भाई कब मजा। उमर साहब का कातिल मेरा बेटा गुंदूस भी हुआ तो भी सजा से नहीं बच पाएगा। मुझे मेरी जिम्मेदारी मत बताना। सब सुन ले, जो हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन अगर आज के बाद किसी ने काई सिपाही पर तलवार उठाई या कोई किसी साजिश का हिस्सा बना तो सजा सिर्फ मौत होगी। ये बात जहन नशीन कर ले सब। मेरे प्यारे पापा, मेरे बहादुर पापा, अगर मैं इंतकाम ना ले सकी आपका तो ये जमीन मेरी कब्र होगी, ये बिस्तर मेरी मैयत होगा और खैमा मेरा कफन होगा। बाबा, जब तक इनके जिस्म से खाल नहीं खींची जाएगी ये सच नहीं बताएंगे। अगर सच तक पहुंचना है मेरे भाई को जल्द से जल्द पैगाम भेजो, हालात से आगाह करो, उसे बताओ अर्तुरुल सरदार के बेटे गुंदूस ने हमारे बाबा को कत्ल कर दिया है। उसे लिखो सिपाहियों के साथ तलवारें उठाकर सऊद की जानिब आ जाए। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें और हमारी जानिब से इशारे का इंतजार करें, लेने का, जंग करने का। लोगों को बांटने के लिए तुम्हारे पास कहां से आया इतना सोना? ये काम आपके अपने औताक से होता है। बताओ मुझे उसका नाम।
क्या उस आदमी को जानता हूं मैं? वो औलाद है आपकी, आपका बेटा गुंदूस सरदार। गुंदूस की वजह से क्या समझते थे उसको पर अभी तक यकीन नहीं आया। गुंदूस सिपाही, ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ क्यों किया? इन पर और इनके सिपाहियों पर हमला क्यों किया तुमने? मुझे इस हाल तक पहुंचाने वालों से इंतकाम मैं खुद लूंगा बाबा। साबित कर दूंगा कि आपका बेटा कहलाने के लायक हूं मैं। गुंदूस की तलाश में सिपाही रवाना कर दिए हैं भाई। दाखिली और खारजी रास्तों पर मुहाफिज भी बढ़ा। यहां से बाहर जाने के लिए मैंने मना कर दिया है भाई। तदबीर ही हमें मुसीबत से बचा सकती है। दुश्मन बहुत शातिर है ये याद रखना। वो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन हर जगह मौजूद है। हमें अपने कान और आंखें खुली रखना होंगी। कोई भी मशकूक चीज या शख्स नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत करना। जैसा आपका हुक्म सरदार। यह खंजर गुंदूस का है लेकिन अगर हम उसे तलाश कर लें तो हकीकत का पता लगाना और भी आसान हो जाएगा। गुंदूस को तलाश करना काफी नहीं, उस हाथ को तलाश करना होगा जो आरामगाह तक इसे ले गया। गुंदूस के मिलने से हमारा वक्त तो बच जाएगा लेकिन वो हाथ अगर हम तलाश न कर पाए तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने खत लिखकर बेबुलाद को भिजवा दिया है। जल्द ही वो सिपाहियों के साथ यहां आ जाएंगे और इनको फना कर देंगे। इंशाल्लाह वो हमारा सुख खत्म होने से पहले यहां पहुंच जाएंगे। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इंतकाम लेंगे हम अपना। आ जाओ। ये क्या है जांगूच? इन्होंने गम की वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना लाया हूं इनके लिए। मुझे भूख नहीं है जांगूच। मैं सराय का पानी भी नहीं पीना चाहती। आप इतने कमजोर नहीं हैं। हौसला ना हारिए। आपके पापा भी आपको मजबूत देखना चाहते होंगे। आखिर आप उनकी वारिस हैं एलपिल के खातून। उनकी एक लौती मीरास इंतकाम है। उनका इंतकाम लेने के लिए वो नामुराद कैसे अंदर आया और कत्ल कर दिया? बस करो जांगूच, जाओ यहां से। ठीक, जा रहा हूं। कौन हो सकता है जिसने उन्हें ऐसे कत्ल किया हो? कौन? वैसी इंसान होगा वो, शैतान होगा वो। आपको किस पर शक है भाई? ड्रेकोस, यह सूरत हाल सिर्फ उसी के हक में है बमसी। यकीनन उसी ने कोई चाल चली है। यह एक मुनफरिद चाल है। हमें यह मालूम करना है कि इसमें कौन कौन उसके साथ शरीक है। तुर्गुत की भी कोई खबर नहीं आई। क्या उन मलूनों से कुंजी हासिल कर ली होगी उसने? वो कुंजी हमारे लिए कितनी अहम है।
जैसा मैंने कहा उसके मुताबिक वो कुंजी हासिल करेगा और वापस आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। लेकिन उसके आने से पहले हमें ये मसाइल हल करना होंगे। उम्रलार के सिपाहियों का क्या करना है भाई? वो गुस्से में, हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं और उनका रवैया कैसा होगा। अगर वो इस सदमे में कोई हिमाकत भी करते हैं तो सब्र के साथ हमें टकराव से खुद को बचाना होगा। यही तकाजा है वक्त का। उनके हामियों के साथ हमारा टकराव हमारे दुश्मन के हक में मुफीद साबित होगा। और इल्बिल के खातून, उन्हें आखिर कैसे समझाएंगे हम सरदार? हर चीज का एक वक्त होता है बंसी। अभी सोग में हैं वो। इस सोग से जब बाहर आ जाएंगी तो समझाने की कोशिश करूंगा उन्हें मैं। ठीक है भाई। अर्तुरुल की को देखकर पागल हो गया था वो। उसने इस तरह छलांग लगाई। उसकी लड़ाई की काबिलियत कमाल की है, मुझे बहुत पसंद आई। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी मां बे औलाद हो जाए तो सामने आए मेरे। उमूर उलार के सिपाही ऐसे हो गए जैसे जम गए हो अपनी जगह और हरकत करना भूल गए। तुर्कों के दरमियान आग लगाकर उन्हें आप दोनों फरीक जानते ही नहीं थे कि वो क्यों लड़ रहे हैं, मगर वो लड़ रहे थे, यही काफी है हमारे लिए। कातिल गुंदूस के लिए आपने क्या सोचा है जनाब? उसे इल्बिल के खातून मारेंगी। वो कैसे जनाब? थियो, उस लड़की ने अपना बाप खोया है, उसे इंतकाम लेने दो। अपने बाबा की याद कर रही है वो लड़की। मैं उस बेचारी लड़की की इतनी मदद तो कर ही सकता हूं। इल्बिल के कुंदूस को मार देगी, उसके मरते ही सऊद में हर जगह कयामत बर्पा हो जाएगी। तुर्क आपस में ही लड़ लड़कर फना हो जाएंगे। जनाब अब क्या हुक्म है? कारबेला, उसे किस तरह समझाना है तुम जानते हो। निको, थियो, बाजार में अफरा तफरी फैला दो। कहो कि उमूर सरदार मर चुके हैं, उमूर और लार वाले जल्द यहां पर आने वाले हैं, एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, बताओ सबको जाकर। ताजिरों से कहो कि सऊद से चले जाए। जैसा आपका हुक्म कमांडर डेगोस। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? आ रहा हूं, सबर करो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, मुझ पर रहम करो तारा। अर्तुरुल एक बंद गली में फंस चुका है, अब या तो उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर वो करो जो हम तुम्हें कहते हैं। तारा ये तुम्हें क्या हो गया है? कौन हो तुम आखिर? हम खुफिया फौज के सिपाही हैं मैकिस, जो सऊद की आजादी के लिए जान भी दे सकते हैं। आज के बाद से तुम हमारे लिए काम करोगे, हमारी मदद करोगे या फिर अपनी जान दोगे? कोई भी ताकत मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती, मुझे जान की परवाह नहीं।
पहचानते हो ना? ये तो मेरी बीवी हेलेन, मेरा बेटा लियोन। ये तुम्हें कहां से मिला? बताओ कहां से मिला तुम्हें ये? लेकिन अर्थुल्ला वो सही था, अगर गुंदुस ने कदम किया तो उसके साथ साथ मेरा सर भी उड़ा देना। इतना कॉन्फिडेंस है अर्थुल्ला अपने बच्चों पे। जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है, वो कुछ करता तो बात लगती ना, कुछ कर ही नहीं रहा, उस पर पूरा जाल बिछाया गया उसके ऊपर। खतरनाक है एकदम। अभी इधर जंग भी होने वाली है, अभी ऊपर से ये और प्लान कर रहा है, वहां पे तुगुद भी फंस गया है, हर जगह से प्रॉब्लम निकल जाएगा। वो तो आराम से निकल जाएगा, वो उसको आदत है ऐसा सब चीजों की। लाइक हम लोग उनको सीजन 1 से देख रहे थे, उनको आदत चंगुल से बाहर निकलने का, उसको पता है। बट अभी यही देखना पड़ेगा कि आगे कैसे होगा। तो वेट करें गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।